जय हिंद, वंदे मातरम सभी सम्मानित साथियों को। आज हम जा रहे हैं जिला सीधी जा रहे हैं। आज 25 दिसंबर 2022, आज वहाँ एक कार्यक्रम रखा गया है अगरिया समाज जन जागरूकता अभियान को लेकर के, और हम सब साथी जा रहे हैं। हम एक एक करके परिचय देंगे, आप मुझे सब पहचानते ही हैं, मैं दशरथ अगरिया। और आइए मिलवाते हैं हमारे सम्मानी जी सर परिचय। मेरा नाम शुक्ल प्रसाद नागवंशी, जिला अध्यक्ष कोरिया से हूँ मैं। और आप सर? सुखेतलाल अगरिया, विकास खंड खड़गवा, जिला MCB। जी सर, मैं राम लखन खड़गवा। जी, मैं श्याम लाल अगरिया, ग्राम कुर्थी, जिला कोरिया छत्तीसगढ़। मैं अर्जुन कुमार अगरिया, ग्राम पंचायत विकास खंड मरनगढ़, जिला NCB। मैं रुपेश कुमार अगरिया, जिला MCB, विकास खंड मनेंद्रगढ़। आइए सर। सुनहत ब्राक अगरिया लाल सर। आइए सर। मैं ग्राम पंचायत मुसरा से, विकास खंड मनेंद्रगढ़, जिला कोरिया। साथियों, आप सभी अभी आपने देखा कि जिला सीधी में कार्यक्रम है, लेकिन एक्चुअली पूरे छत्तीसगढ़ के साथी हमारे साथ खड़े हुए हैं। और ये कुछ नहीं है, ये संगठन की देन है, हमारे राष्ट्रीय संघ की देन है। आज संगठित होने की आवश्यकता क्यों है कि छत्तीसगढ़ का व्यक्ति यदि सीधी में जाएगा, सीधी के व्यक्तियों को जागरूक करेगा, तो वहाँ जागरूकता बढ़ेगी, लोगों में एक रुझान पैदा होगा समाज के प्रति कि वास्तव में किस तरीके से समाज को संगठित करना चाहिए, संगठित होना क्यों जरूरी है, और संगठित समाज में ही साथियों विकास संभव है। इसलिए आप देख सकते हैं इतने सारे स्वजाति बंधु हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। और सब कहाँ से जा रहे हैं सोच लीजिए, जिला कोरिया। कोरिया में बहुत दूर से, लगभग आज यहाँ से 250-300 किलोमीटर की दूरी तय करके ये जा रहे हैं। अब सोचिए कि अगरिया जनजाति, अगरिया समाज, अगरिया जनजाति फाउंडेशन जो भारत हमारा है, लौ प्रगलक अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन है, उसका लक्ष्य बहुत ही जल्दी जो मिशन 2025 है वो पूर्ण होने की स्थिति में है। हम यही कहना चाहेंगे आप सभी से, यदि आप सभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो संगठित होइए, संगठन से जुड़िए, और अपने क्षेत्र में हम सब जितने सुजाति बंधु है बुलवाइए। यकीनन आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में, आपके जिला में, आपके राज्य में अवश्य ही अगर ये समाज को लेकर के जागरूकता होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत, जय।